हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है आपको सब अच्छे से होंगे। MRAC टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, इसमें ये DX यूनिट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 16 पे सेट किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद इसका रूम टेम्परेचर 24 है। तभी देखते हैं इसका आउटडोर यूनिट में क्या इशू है, क्यों टेम्परेचर नहीं आ रहा है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। हम आ गए हैं टेरेस पे, छत पे, देखते हैं यूनिट का क्या प्रॉब्लम है, आउटडोर यूनिट में जाकर चेक करेंगे। देखिए, बहुत सारा यूनिट है यहाँ पे, लेकिन जो सा यूनिट में प्रॉब्लम है उसमें नंबरिंग किया हुआ है, अभी हम जा करके चेक करेंगे। ठीक है, यूनिट है मेरा, चल तो रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, लेकिन क्या है देखते हैं, खोल के देखना होगा। इसका हम ब्रेकर ऑफ कर दिए हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, फिर इसका एक्चुअल में क्या है ये यूनिट का, कि इंडोर यूनिट एक है और इसका आउटडोर दो दिया है। ये दोनों यूनिट का अभी हम खोले हैं, खोलने के बाद अभी हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, फुल आइस आया हुआ है इस सिस्टम में, पूरा कंप्रेसर में अपना, इसका लिक्विड रिसीवर में सब पूरा पैक है, पूरा आइस से। इसका मतलब कि फिर इंडोर यूनिट में भी पूरा आइस आया रहेगा। वहाँ भी जा कर के देखेंगे क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आइस आया है। ठीक है, बाकी ये तो कवर किया हुआ है, दूसरा यूनिट का देखते हैं। दूसरा यूनिट भी देखिए सेम कंडीशन में है, अगर गैस का प्रॉब्लम रहेगा तो एक ही यूनिट में रहेगा, ये दोनों में देखिए फुल आइस आया हुआ है, इसमें भी है और हमारा सेकंड इसमें भी देखिए आइस है फुल। इसका भी ब्रेकर ऑफ कर देते हैं, अब जा करके नीचे चेक करते हैं इंडोर यूनिट में, आपको दिखाते हैं कि इंडोर यूनिट का क्या कंडीशन है, इसके बाद प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, हम पहुंच गए इंडोर यूनिट के पास, अभी हम देखते हैं इंडोर यूनिट का क्या हाल है। ओके, इसको भी खोल लिए हैं हम, ये देखिए इंडोर का कंडीशन क्या है। ये देखिए, दो सर्किट का है, कंप्रेसर वन कंप्रेसर दो, आउटडोर यूनिट बताया ना हम आपको, दोनों में आया हुआ है, दोनों का ये सक्शन और लिक्विड लाइन यहाँ पर है, देख लीजिए फुल आइस आया हुआ है। अभी इसको इतना आइस आने के बाद कैसे सही होगा, कूलिंग तो करेगा नहीं, फुल आइस है, बाहर में कंडेंसर फैन चल रहा है लेकिन कूलिंग सिर्फ उसमें हीट रिमूव नहीं कर रहा है, कूलिंग आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त आइस है, ये क्या रीज़न हो सकता है। देखते हैं बेल्ट क्या है इसका, ये बेल्ट देखिए बहुत ज़्यादा लूज़ है। ठीक है, इतना ज़्यादा तो लूज़ नहीं होना चाहिए, समझ गए, बेल्ट एक रीज़न हो सकता है, दूसरा अभी इसका फिल्टर देखते हैं कैसा है, तीसरा गैस कम हो सकता है, यही तीन रीज़न ज़्यादातर रहेगा, और चौथा एक कॉन्ट्रैक्टर भी कंप्रेसर का जो है वो भी स्टक हो सकता है, पांचवा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि यहाँ से कंट्रोल कंटिन्यू जा रहा होगा, अगर टेम्परेचर आने के बाद भी कंट्रोल जाते रहेगा तो कंप्रेसर चलते रहेगा, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो हम इसको यूनिट को ऑफ़ कर दिए हैं, ऑफ़ करके इसको आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना जल्दी रिमूव हम कर नहीं सकते हीट, सॉरी बर्फ़ आइस को कर नहीं सकते हम, इसको हटा नहीं सकते हैं, मेल्ट करने में टाइम चाहिए। यहाँ इतना अंदर तक है ये कि उधर पानी भी नहीं डाल सकते हैं हॉट वाटर, इसलिए ये DX पैकेज यूनिट है, 4.5 TR का एक यूनिट है इसका, एक कंप्रेसर, तो दो कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, 4.5 का दो कंप्रेसर लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसका बेल्ट तो देख लिए लूज़ है, एक रीज़न हमको नज़र आ रहा है, दूसरा अभी इसका हम कॉन्ट्रेक्टर भी देखते हैं, तीसरा इसका फिल्टर देखते हैं, बाकी आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। ये देखिए, फिल्टर के पास चले आए, फिल्टर भी देखिए लगभग इतना ही गंदा है,
ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी फिल्टर को भी हम रिमूव करके इसको साफ़ करेंगे, फिर देन आफ्टर आइस रिमूव होने के बाद इसके बाद कुछ दूसरा कुछ करेंगे। देखिए अच्छे से देखिए, इतना ज़्यादा अगर फिल्टर गंदा रहेगा, उसके अंदर से पास नहीं हो पा रहा है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अभी फिल्टर को निकालते हैं, उसके बाद ये करते हैं। ये फ़िल्टर को ले आए हम, अब फिल्टर को वाटर क्लीनिंग करेंगे। फिल्टर को कभी भी जो है ना, जिधर से ज़्यादा गंदा उधर से नहीं मारना है, इसको पलट के मारना है। तो मालूम चला कि पूरा और गंदा इसमें फंस गया, तो इधर उल्टा करके हम मारेंगे तो पूरा कचरा जो है निकलेगा। अभी आपको देखिए, ये भी आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि फिल्टर को कौन सा एंगल मारेंगे। देखिए कितना काला निकल रहा है, बहुत काला निकल रहा है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी कॉन्ट्रेक्टर के पास भी हम आ गए हैं। कॉन्ट्रेक्टर तो इसका स्टक नहीं है, पकड़ा हुआ नहीं है, सामने दिख रहा है। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, ये पुश बटन काम कर रहा है बराबर से। ठीक है, अभी इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि डायरेक्ट तो नहीं है, इंटरनली फॉल्ट हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी इसका। पहले तो फेस देख लेते हैं, ऐसे ऑफ किया हुआ है यहाँ पे ब्रेकर, समझ गए। लेकिन उसके बावजूद जो है अपना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो वोल्टेज में इसको सेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे। ये दो में हम रखे, लेकिन वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ब्रेकर से ऑफ है। अब इसको कंटिन्यूटी में हम इधर चेक करते हैं, तो अभी हम इसको कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। कंटिन्यू में करने के बाद क्या है, टी टी का आवाज़ आएगा। अभी इसको हम यहाँ रख देते हैं, और ये जो है इसको ऊपर से नीचे चेक करेंगे। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर यही इसको आपस में अगर हम सटा के देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्ट्रेक्टर को पुश करेंगे। बात यह है कि हम थोड़ा अकेले हैं आज, मेरा हेल्पर है नहीं, इसलिए थोड़ा आप लोग को वीडियो देखने में डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ किए, ये ऊपर से नीचे कंटिन्यूटी आ नहीं रहा, जो कि आना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर पकड़ने के बाद आना चाहिए। अभी देखते हैं कहीं ये अंदर से तो फॉल्ट नहीं है। ये देखिए अभी आवाज़ जो है टीटी का आपको आवाज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये दबा रहे हैं। तो ये मेरा कॉन्ट्रेक्टर ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो दिक्कत था अपना ये फिल्टर का और ये बेल्ट का, बेल्ट लूज़ था, फिल्टर पूरा स्टक था, एकदम जाम था। ठीक है, तो अभी उसको डाल करके उसके बाद देखेंगे, चालू हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला यूनिट का भी सेम ही है, उसका भी ठीक है। ठीक है, चलिए फिर ओके, नेक्स्ट वीडियो डालते हैं इसका। तब तक ले, अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, फुल डिटेल्स और भी आपको अच्छा से दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया वीडियो जो भी आएगा आपको डालेंगे हम। ठीक है।